आपके घर पर कैसा भी तंत्र मंत्र किया गया हो, घर की लक्ष्मी को बांध दिया गया है, इसको धन स्थापना। कोई तंत्र मंत्र नहीं लगेगा, तंत्र मंत्र कोई करेगा वापस उसके पास जाएगा। दूसरा, इसका एक वशीकरण का तरीका बताऊं, इसको आप अपने राइट हैंड में रखो। शनिवार के दिन आप इस क्रिया को कर सकते हो, अमावस्या के दिन कर सकते हैं। नहा धोले कोशिश करें ब्लैक कलर के कपड़े पहने या कोई भी डार्क कलर के ब्लू कलर के भी कपड़े पहन सकते हैं। सरसों के तेल का दिया काल भैरव के नाम का जला दें, उन्हें काजल का ही तिलक करें, अगरबत्ती जला दें, मिठाई रख दें और हल्दी की गांठ उनके सामने रख दें। ओम छोम छोम भैरवाय नमः, इस मंत्र को 108 बोले, 108 बार बोले। बोलते समय अपना ध्यान हल्दी पर रखें। 108 बार इस मंत्र से अभिमंत्रित की गई ये काली हल्दी एक्टिव हो जाएगी। जब भी आपको किसी का वशीकरण करना है, आप भरी सभा में जा रहे हैं, आपको कोई मीटिंग अटेंड करना है, आप इस काली हल्दी को पानी में अच्छे से घिसें, घिसे या पानी में भी घिस सकते हैं, घी में भी घिस सकते हैं, जिसमें भी आप लगाना चाहें, अच्छे से इसको घिसें, सरसों के तेल में भी घिस सकते हैं, और इसका तिलक लें और लंबा तिलक करें। तिलक करते समय 7 बार ओम छोम छोम भैरवाय नमः इस मंत्र का जाप करें। आप देखेंगे आप जिसके भी सामने जाएंगे वो व्यक्ति आपकी तरफ ना सिर्फ अट्रैक्ट होगा, वो व्यक्ति वही करेगा जो आप चाहते हैं। तो काली हल्दी दोस्तों लाजवाब है, वशीकरण में भी, पैसों को घर में लाने में भी, नजर भी, अगर आपके ऊपर नजर है, हाय है, बद्दुआ लग रही है, तो तांबे के तावीज में काली हल्दी का छोटा सा टुकड़ा तोड़ करके आप डालें और उसे गले में पहन लें। ये नजर हाय बद्दुआ से भी आपकी रक्षा करती है। तो ये चीज वाकई बहुत पावरफुल है, आजमा करके देखें। चैनल के अकॉर्डिंग कोई आपके विचार हो तो उन्हें आप कमेंट बॉक्स में जरूर। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जितना ज्यादा हो सके दोस्तों शेयर कर दें। जय श्री कृष्ण।